संस्कार दानी कहे जाने वाले जबलपुर में पहले तो एक व्यक्ति ने एक गरीब नाबालिग बच्ची को काम का झांसा दिया, फिर उसे लेकर एक निर्माणधीन मकान में पहुंचा और उसी बच्ची को अपने एक साथी के हवाले कर मौके से निकल गया। फिर उस बच्ची के साथ इस व्यक्ति ने हैवानियत का खेल खेला। थाना आधारताल पुलिस के सामने अपनी आपबीती सुनाती ये नाबालिग बच्ची और उसकी माँ गोहरपुर क्षेत्र के निवासी हैं, जो मजदूरी कर अपना भरण पोषण करते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर क्षेत्र के ही एक व्यक्ति मनोज सैन ने 15 साल की नाबालिग बच्ची को नए बन रहे मकान में रेत छानने का काम दिलाने का झांसा दिया और उसे लेकर उस निर्माणधीन मकान में पहुंचा, जहां पर घात लाकर बैठे ठेकेदार इमरान खान के हवाले कर मौके से निकल गया। लेकिन नाबालिग बच्ची इससे पहले कुछ समझ पाती, उससे पहले ही ठेकेदार इमरान खान ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। इतना ही नहीं, दुष्कर्म करने के बाद फोन पर मनोज सैन को कमरे में बुलाया, जहां पर दोनों ने दोबारा नाबालिग बच्ची से गैंग रेप करने का प्रयास किया। लेकिन बच्ची की चिल्लाने पर दोनों ने उसे जान से मारने और पैसों के लालच देकर चुप करा दिया और दिन भर कमरे में बंधक बनाकर रखा। लेकिन रात 9 बजे बच्ची किसी तरह से निकलकर अपने घर पहुंची और अपने पड़ोसी को उसके साथ हुई घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पूरी बात बच्ची को माँ को पता लगी और तब जाकर बच्ची की माँ और पीड़ित बच्ची को लेकर थाना आधारताल पहुंची और अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। लड़की काम करने गई थी जी। लड़की को बोला कि रेत छानने चल जे, और वो ठेकेदार थे तो वो बोले अंदर, उसको लड़की को घसीट के ले गया जी मनोज, और इमरान रहा तो पकड़ के खींच दिया, तो उसको लड़की को लात मार के गिरा दिया नीचे, तो लड़की का फिर इज्जत लूटा जी। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई या थाने आए हैं आप? फिर हमने बताई लड़की, तो हमने आए थाने जी। वहीं थाना आधारताल प्रभारी विपिन ताम्रकर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची के बिताए ठिकाने पर दबिश दी और घटना के चंद घंटों के अंदर ही मनोज सैन और ठेकेदार इमरान खान की गिरफ्तारी कर धारा 176 और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आज गोहलपुर निवासी एक महिला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इसकी बच्ची जिसकी उम्र 15 साल है, उसको दिनांक 14 को इसके पड़ोस में रहने वाले मनोज सेन के द्वारा काम का झांसा देकर एक स्पॉट पर ले जाया गया। ये स्पॉट खजरी खिरिया बाईपास के पास में है। मनोज सेन ने इस बच्ची को एक इमरान नाम के व्यक्ति के पास ले जाके उसको एक कमरे में जो निर्माणाधीन था वहाँ पर छोड़ा, जहाँ इमरान ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और इस घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई है, बच्ची का मुलाहजा कराया गया है और जिनके नाम इस प्रकरण में आए हैं उनको अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। गैंग रेप का? जी हाँ, गैंग रेप में इसमें एक इमरान के द्वारा घटना कारित की गई है और जो दूसरा आरोपी है उसने इस घटना में दुष्प्रेरित करने का कार्य किया है और बच्ची को उस स्पॉट तक लेके गया है जहाँ पे बच्ची के साथ घटना घटित हुई। लिहाजा इन दोनों के खिलाफ प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई। दो व्यक्तियों को अभिरक्षा में लिया गया।